दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि गाजीपुर बॉर्डर के बैरिकेड्स पर राकेश टिकैत ने लिख दिया मोदी सरकार का नाम। वहीं भारतीय किसान यूनियन ने यूपी चुनाव से पहले किए बड़े बदलाव, बना दी नई टीम। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा से निलंबन पर बोले योगेंद्र यादव, मानवता के नाते बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिवार से की मुलाकात। वहीं कांग्रेस ने हरीश रावत की जगह अब हरीश चौधरी को बनाया पंजाब का प्रभारी। वहीं हार्दिक पटेल ने केंद्र सरकार पर बोला जोरदार हमला, कहा बिहार से करेंगे दिल्ली का तख्ता पलट। वहीं फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जीतने के लिए नफरत फैला रही बीजेपी। वहीं मिशन 2022 के लिए एक साथ आएंगे चाचा भतीजे, सपा से गठबंधन कर सकते हैं शिवपाल यादव। वहीं अखिलेश यादव को मिला ब्राह्मण महासभा का साथ, सपा को बिना शर्त समर्थन देने का किया ऐलान। वहीं चुनाव से पहले कुछ बड़ा करने जा रही प्रियंका गांधी, आज बाराबंकी से करेंगी शुरुआत। वहीं यूपी चुनाव को लेकर सोनिया गांधी के आवास पर आज होगी कांग्रेस की बड़ी बैठक। वहीं सपा सरकार पर जमकर बरसे योगी आदित्यनाथ, बोले पिछली सरकार में बेच दिए गए थाने और तहसील। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है गाजीपुर बॉर्डर के बैरिकेड्स पर राकेश टिकैत ने लिख दिया मोदी सरकार का नाम। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर के बैरिकेड्स पर मोदी सरकार का नाम लिख दिया है। इससे राकेश टिकैत ये संदेश देना चाहते हैं कि किसानों को मोदी सरकार ने रोका है, किसानों ने नहीं। रास्ता सरकार ने बंद किया है, किसानों ने नहीं। हमारी तरफ से रास्ता बंद नहीं है। राकेश टिकैत ने स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार झूठ बोल रही है, हम किसी को भड़काना नहीं चाहते और ना ही भड़का रहे। राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि ये मोदी सरकार के बैरिकेड्स हैं, हमारे बैरिकेड्स नहीं है, इसलिए हमने इस पर मोदी सरकार लिख दिया है। मोदी सरकार ने बैरिकेड्स लगाकर किसानों का रास्ता रोक रखा है। ये हमारे बैरिकेड्स नहीं है, ये सरकार के बैरिकेड्स हैं, इसलिए हमने ये संदेश दिया है कि हमने रास्ता नहीं रोका है। और ये बड़ी खबर, भारतीय किसान यूनियन ने यूपी चुनाव से पहले किए बड़े बदलाव, बना दी नई टीम। ये आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन ने उत्तर प्रदेश की नई कार्यकारिणी परिषद की घोषणा कर दी। चुनाव राज्य में यूनियन ने 3 महीने पहले इसे भंग कर दिया था। कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे आंदोलन और यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले किसान संगठन ने नई टीम का ऐलान कर दिया है। राजवीर सिंह ने मेरठ, बरेली, लखनऊ, झांसी, चित्तौड़गढ़, कानपुर, बस्ती, देवीपाटन, वाराणसी और इलाहाबाद डिवीजन के अध्यक्षों नामों का ऐलान कर दिया। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत हैं और संगठन इस समय संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा है, जिसके बैनर तले कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। आपको बता दें कि किसानों ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि यदि बीजेपी ने कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया तो यूपी में होने वाले विधानसभा चुनावों का विरोध किया जाएगा और लोगों से बीजेपी के खिलाफ वोट देने की अपील की जाएगी। आपको बता दें कि जिसके चलते भारतीय किसान यूनियन ने अब यूपी में बड़े बदलाव किए हैं और नई टीम बना दी है। अब यह टीम कृषि कानूनों को लेकर नया आंदोलन छेड़ेगी। यदि सरकार ने कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया तो यह टीम उसका विरोध करेगी और बीजेपी के खिलाफ वोटों की मांग करेगी। और भी बड़ी खबर, संयुक्त किसान मोर्चा से निलंबित होने के बाद योगेंद्र यादव का बड़ा ऐलान, बोले मानवता के नाते बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिवार से की मुलाकात। ये आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा से निलंबित किए जाने के एक दिन बाद सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने कहा कि वो मृत बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिवार का दुख साझा करने के लिए उनसे मिले थे, क्योंकि ये भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। यादव को 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शुभम मिश्रा के परिवार से मिलने पर संयुक्त किसान मोर्चा से 1 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है। यादव ने कहा कि उन्हें इस मुलाकात से पहले संयुक्त किसान मोर्चा के अन्य सदस्यों से परामर्श नहीं करने का खेद है और उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाकर उन्हें दुख हुआ है। योगेंद्र यादव ने एक बयान के माध्यम से कहा कि किसी भी आंदोलन में सामूहिक राय व्यक्तिगत समझ से ऊपर होती है। मुझे खेद है कि मैंने ये निर्णय लेने से पहले संयुक्त किसान मोर्चा के अन्य साथियों से बात नहीं की। यादव ने कहा कि मैं संयुक्त किसान मोर्चा की सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया का सम्मान करता हूं और इस प्रक्रिया के तहत दी गई सजा को सहर्ष से स्वीकार करता हूं। उन्होंने कहा कि मैं इस ऐतिहासिक किसान आंदोलन की सफलता के लिए पहले से कहीं अधिक लगन से काम करना जारी रखूंगा। और ये बड़ी खबर, कांग्रेस ने हरीश रावत की जगह अब हरीश चौधरी को बनाया पंजाब का प्रभारी। ये आपको बता दें कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस के भीतर लगातार उलटफेर जारी है। पहले मुख्यमंत्री और उसके बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को बदलने के साथ ही अब कांग्रेस ने पंजाब के प्रभारी को भी बदल दिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने हरीश चौधरी को अब पंजाब का नया प्रभारी बनाने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि हरीश चौधरी को तत्काल प्रभाव से पंजाब और चंडीगढ़ का
नया प्रभारी नियुक्त किया गया है। हरीश रावत को उनकी वर्तमान जिम्मेदारी से अब मुक्त कर दिया गया है। बता दें कि फिलहाल पंजाब और चंडीगढ़ के प्रभारी हरीश रावत थे, लेकिन अब उनकी जगह पर यह जिम्मेदारी हरीश चौधरी को दे दी गई है। कांग्रेस द्वारा पंजाब और चंडीगढ़ का प्रभारी बनाए जाने पर हरीश चौधरी ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी का आभार व्यक्त किया है। और एक बड़ी खबर, हार्दिक पटेल ने मोदी सरकार पर बोला जोरदार हमला, कहा बिहार से करेंगे दिल्ली का तख्ता पलट। ये आपको बता दें कि बिहार विधानसभा उपचुनाव के प्रचार के लिए पटना पहुंचे हार्दिक पटेल ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। कन्हैया कुमार के स्वागत समारोह में हिस्सा लेने गए हार्दिक पटेल ने यह भी दावा किया है कि 2024 में कांग्रेस केंद्र में सरकार बनाएगी, फिर 2025 विधानसभा चुनाव में बिहार में कांग्रेस की सरकार बनेगी। हार्दिक पटेल ने कहा कि बिहार से दिल्ली का तख्ता पलट किया जाएगा। बता दें बिहार में दो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी और हार्दिक पटेल तीनों वहां पर प्रचार करने के लिए पहुंचे हैं। 23, 24 और 25 अक्टूबर को कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी और हार्दिक पटेल तारापुर में चुनाव प्रचार करेंगे। इसके बाद 26, 27 और 28 अक्टूबर को कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र में तीनों नेता वोट मांगेंगे। दोनों जगहों पर 30 अक्टूबर को मतदान होगा। आपको बता दें कि हार्दिक पटेल ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि बिहार से दिल्ली का तख्ता पलट किया जाएगा। उन्होंने यह भी ऐलान कर दिया है कि 2024 में कांग्रेस केंद्र में सरकार बनाएगी। और एक बड़ी खबर, फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला, कहा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जीतने के लिए नफरत फैला रही बीजेपी। ये आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने नफरत को भारत में चुनाव जीतने का कारगर हथियार बताते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी अगले साल के प्रारंभ में उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव जीतने के लिए नफरत फैला रही है। अब्दुल्ला ने लोगों का आह्वान किया है कि वे जम्मू कश्मीर के साथ साथ देश को बचाने के लिए नफरत से लड़ें। उन्होंने कड़ी चेतावनी दी है कि अगर नफरत इसी तरीके से बढ़ती रही तो भारत का विघटन नहीं रोका जा सकता। पूर्व मुख्यमंत्री ने जम्मू में पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि हमें सांप्रदायिकता से लड़ना है, हमें हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में खड़ी की जा रही नफरत की दीवार को गिराना है, हमें इस नफरत को खत्म करना है। इसके बिना ना तो भारत बचेगा और ना ही ये राज्य बचेगा। अगर हमें भारत को बचाना है तो हमें इस नफरत को खत्म करना होगा। उन्होंने कहा कि नफरत की राजनीति को हथियार बना दिया गया है, जिसके आधार पर आजादी के बाद से चुनाव जीते जाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने आजादी के बाद से हर चुनाव में इसे देखा है, मुस्लिम नेताओं को मुस्लिम इलाकों में ले जाया जाता है और हिंदू नेताओं को हिंदू इलाकों में ले जाया जाता है। अब्दुल्ला ने बीजेपी पर उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने के लिए नफरत पैदा करने और फूट डालने की राजनीति करने का आरोप लगाया है। और ये बड़ी खबर, मिशन 2022 के लिए एक साथ आएंगे चाचा भतीजे, सपा से गठबंधन कर सकते हैं शिवपाल यादव। ये आपको बता दें कि सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा लेकर निकले प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने जनसभा में ऐलान कर दिया है कि हमारी सरकार बनने पर हर परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी और 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी और उच्च शिक्षा प्राप्त बेरोजगारों को स्वरोजगार करने के लिए 5 लाख रुपए का पैकेज दिया जाएगा। शिवपाल यादव ने मौजूदा प्रदेश सरकार पर नाराजगी जताते हुए कहा कि भाजपा सरकार में महंगाई एवं भ्रष्टाचार से किसान, नौजवान और बेरोजगार पूरे तरीके से त्रस्त हैं। डीजल, पेट्रोल व गैस के दाम आसमान पर हैं। आम आदमी का जीवन कठिन दौर से गुजर रहा है। लखीमपुर खीरी घटना का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा सरकार की बर्बरता पूर्वक कार्यवाही से किसान पूरे तरीके से टूट चुका है। भाजपा को हटाने के लिए समान विचारधारा वाली सभी पार्टियों को गठबंधन किया जाएगा, जिसमें सबसे बड़ी समाजवादी पार्टी हमारी पहली प्राथमिकता है। आपको बता दें कि उन्होंने ऐलान कर दिया है वो अखिलेश यादव से गठबंधन करेंगे और भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। और ये बड़ी खबर, अखिलेश यादव को मिला ब्राह्मण महासभा का साथ, सपा को बिना शर्त समर्थन देने का किया ऐलान। ये आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे जातीय गोलबंदी भी और तेज होती जा रही है। विभिन्न जातियों के संगठनों ने भी अपना अपना समर्थन पार्टियों को देना शुरू कर दिया है। इस बार सबसे ज्यादा ब्राह्मण समाज को अपने पक्ष में करने में सभी पार्टियां लगी हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी को ब्राह्मण महासभा का साथ मिला है। ब्राह्मण महासभा ने समाजवादी पार्टी को बिना शर्त समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर केसी पांडे ने बयान जारी कर कहा कि अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा बिना शर्त अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए समाजवादी पार्टी को खुला समर्थन देगी। इसी के साथ ही डॉक्टर पांडे ने सपा से भी अपील की है कि गोरखपुर की सहजनवा और मिर्जापुर की मजवा सीट समाजवादी पार्टी ब्राह्मण प्रत्याशी को देने पर गंभीरता से विचार करे। उन्होंने कहा कि हर हाल में वर्ष 2022 में सपा सुप्रीमो
अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। स्थिति यह है कि यूपी में अब बदलाव की हवा चल रही है और जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। ब्राह्मण समाज का हित समाजवादी पार्टी में ही सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि इस समय ब्राह्मणों का जितना उत्पीड़न और उनकी हत्याएं हो रही हैं उतना तो बसपा की सरकार में भी नहीं हुई थी। हम पूरा दबाव बनाएंगे कि समाजवादी सरकार बनने के बाद ब्राह्मणों की जो भी मांगे हैं उसे अखिलेश यादव तुरंत पूरा करें। आपको बता दें कि अब अखिलेश यादव को ब्राह्मण महासभा का खुला समर्थन मिला है। और ये बड़ी खबर, चुनाव से पहले कुछ बड़ा करने जा रही प्रियंका गांधी आज बाराबंकी से करेंगी शुरुआत। ये आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव व यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी आज बाराबंकी में प्रतिज्ञा यात्रा को रवाना करेंगी और जनता के सामने 6 प्रतिज्ञाएं और लेंगी। कांग्रेस अपनी पहली प्रतिज्ञा के रूप में महिलाओं को 40% टिकट देने और छात्राओं को फ्री स्मार्टफोन व फ्री इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी देने की घोषणा पहले ही कर चुकी है। आज 3 यात्राएं अलग अलग जगहों से रवाना होंगी। यात्राओं का समापन 1 नवंबर को होगा। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश फतेह करने की बड़ी तैयारी की है। उन्होंने मन बना लिया है कि इस बार बीजेपी का सुपड़ा साफ करना है। अब देखना यह होगा कि उत्तर प्रदेश की जनता प्रियंका गांधी को कितना भाव देती है। इस बार यूपी में किसकी सरकार बनेगी, इस बारे में आपका क्या मानना है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और भी बड़ी खबर, यूपी चुनाव को लेकर सोनिया गांधी के आवास पर आज होगी कांग्रेस की बड़ी बैठक। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कई सालों से सत्ता से दूर कांग्रेस भी कोई भी कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। इसी सिलसिले में आज पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर कांग्रेस सीईसी की बड़ी बैठक होगी। बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा के चुनाव है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी को किस तरीके से हाशिए से निकाला जाए इसको लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार मंथन कर रही हैं। बीते 1 साल में यूपी में हुई हर बड़ी घटना पर उन्होंने जमीन पर उतरकर योगी सरकार को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा, लेकिन कांग्रेस को लगातार उसके कार्यकर्ता बड़ा झटका दे रहे हैं। एक तो कांग्रेस में कोई भी बड़ा चेहरा शामिल नहीं हो रहा, तो वहीं दूसरी ओर उसके कई गद्दावर नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं। इसकी वानगी जितिन प्रसाद व ललितेश त्रिपाठी के रूप में देखने को मिली, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया, जो कि कई पीढ़ियों से कांग्रेस में थे और काफी गद्दावर माने जाते थे। ऐसे में जब कोई नया बड़ा चेहरा पार्टी से नहीं जुड़ रहा तो पुराने लोगों को कैसे एकजुट रखा जाए और नए कार्यकर्ताओं को कैसे पार्टी से जोड़ा जाए, यह चुनौती कांग्रेस पार्टी के लिए आगामी विधानसभा चुनाव में बड़ी है। इसी से पार पाने के लिए भी मंथन किया जा सकता है। आपको बता दें कि फिलहाल उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सुपड़ा साफ करने के लिए यूपी चुनाव को लेकर सोनिया गांधी के आवास पर आज कांग्रेस की बड़ी बैठक होगी। और ये बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर बोला जोरदार हमला, कहा पिछली सरकार में बेच दिए गए थाने और तहसील। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन सियासी तपिस बढ़ने लगी है। जातीय समीकरण साधने की कोशिश में राजनीतिक दलों की ओर से जातियों के सम्मेलन आयोजित करने का सिलसिला जारी है। यूपी में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार को चौहान जाति के लोगों का सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सम्मेलन में समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला, साथ ही कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी पर भी निशाना साधा। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने इस सम्मेलन में कहा कि साल 2014 के पहले जनता के मन में यूपीए सरकार के लिए आक्रोश था, बाहरी और आंतरिक सुरक्षा को लेकर कोताही बरती गई। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में मंदिर और मठों पर आतंकी हमले होते थे, थाने और तहसील भेज दिए गए थे, सपा सरकार में आतंकियों की आरती उतारी जाती थी, मुकदमे वापस लिए जाते थे और राम भक्तों पर गोली चलती थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सपा बसपा और कांग्रेस की सरकारों को अपने परिवार के साथ साथ आतंकियों की भी परवाह होती थी। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश में अब गुंडा माफिया किसी की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकते। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अब सभी की छाती पर बुलडोजर चलता है। और ये बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने भाजपा पर बोला जोरदार हमला, कहा 2022 में भाजपा को नहीं जीतने देगी जनता। ये आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है, बेरोजगारी के रिकॉर्ड टूट रहे हैं, जनता में भारी आक्रोश है, फिर भी भाजपा जश्न मनाने का रिकॉर्ड बना रही है। जनता के लिए इन हालात में दीपावली भी फीकी हो जाएगी। ऐसे में अब जनता का एक ही संकल्प है कि जले पर नमक छिड़क रही भाजपा को फिर से सत्ता में नहीं आने देना है।
प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आत्ममुग्ध हैं कि भारत ने 100 करोड़ वैक्सीन टीकाकरण से नया इतिहास रच दिया है। झूठ को सच बनाने के खेल में माहिर भाजपाई ये क्यों नहीं बताते कि अभी मात्र 1/4 आबादी को ही दूसरी डोज की वैक्सीन लगी है। आधे अधूरे कामों पर भी इतराने वाली भाजपा सरकार ने कोरोना में जिंदगी खोए हुए परिवारों की फिक्र नहीं की, डेंगू के फैलाव और उसमें हुई मौतों की भी याद नहीं की। ललितपुर में खाद न मिलने से लाइन में 2 दिन से लगे किसान की मौत हो गई है। दीपावली और भाई दूज जैसे त्योहारों की खुशी पर भी उसने पानी डाल दिया है। महंगाई और भ्रष्टाचार ने सबकी कमर तोड़ रखी है। सच पूछो तो अब जश्न मनाने का उत्साह नहीं रह गया है। आखिर त्योहार कौन मनाएगा? किसान आंदोलित हैं, नौजवानों की जिंदगी में अंधेरा छाया है, महिलाएं अपमानित हो रही हैं, व्यापारी नोटबंदी और GST के शिकार हैं, पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के बढ़ते भाव से लोग त्रस्त हैं। भाजपा जब तक रहेगी जनता परेशान रहेगी, समाज का हर वर्ग दुखी रहेगा। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर ही खुशहाली और विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। इस विश्वास के साथ सन 2022 में मतदाता भाजपा को प्रदेश में दोबारा मौका नहीं देंगे। आपको बता दें कि उन्होंने ऐलान कर दिया है कि उत्तर प्रदेश की जनता इस बार भाजपा को नहीं जीतने देगी। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए और किसानों को न्याय मिले तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।